हाय फ्रेंड्स, मैं आपकी महादेवी। आज मैं आपको सांबर कुकुम्बर और ड्रमस्टिक अचार बताऊंगी। यह है सांबर कुकुम्बर और ये ड्रमस्टिक है। इन दोनों का अचार बताऊंगी मैं आज। मैं 4 से 5 नींबू ली हूँ। मैं इसमें डालने के लिए ऑलरेडी जीरा और मेथी को फ्राई करके रख लिया है। राई को भी फ्राई करके रख लिया है। ये बिना तेल के फ्राई किए हुए हैं। अब मैं उससे पाउडर कर लूँगी। अभी हम लोग इस सांबर कुकुम्बर में ये स्मूथ पाउडर कर लिया है, ये पाउडर डालेंगे। मसाला 2 से 3 स्पून तक डालूँगी। हल्दी, एक चुटकी हींग, रेड चिल्ली पाउडर, इसको भी मैं 3 स्पून डालूंगी। अब हम लोग ड्रमस्टिक में भी मसाले डाल लेंगे। इसमें भी 2 स्पून रेड चिल्ली पाउडर लिया है। और वो मसाला, दोनों में सेम मसाला पड़ता है। इसमें 2 स्पून लिए हैं। एक चुटकी हींग, हल्दी, अभी नमक डालेंगे। नमक स्वाद अनुसार डालिए। अभी बनाने जब का जब थोड़ा नमक लगेगा, लेकिन कल तक इसका नमक पूरा अब उन पीसों को अच्छे से लग जाएगा। अपने खाने में भी कमी लगेगा, इसलिए अभी थोड़ा सा ज़्यादा ही लगेगा नमक। अब हम लोग इसमें नींबू डालेंगे। मैं इसमें 2 और उसमें 2 नींबू डाल रही हूँ। एक क्वांटिटी कम है, इसमें 2 डाल रही हूँ क्योंकि इसमें खटाई नहीं रहता है और सांबर कुकुम्बर थोड़ा खट्टा सा होता है, इसलिए उसमें भी 2 ही डाल रही हूँ। अब हम इन दोनों को अच्छे से मिला लेंगे। सांबर कुकुम्बर में कच्चा तेल लगता है, मैं इसमें अब कच्चा तेल डालूंगी।
अभी आप लोग इसमें अच्छे से तेल डालेंगे। तेल डाल के अच्छे से मिला लेंगे पूरे को। चलिए सांभर कुकुम्बर का अचार तो बन गया है। अब हम लोग ड्रमस्टिक के लिए तेल गरम करने रखेंगे। तेल थोड़ा कम लग रहा है इसलिए और थोड़ा तेल डाला है। देखिए रेडी हो गया सांबर कुकुम्बर अचार। अभी मैं ड्रम स्टिक के लिए तेल रखूंगी। अभी इस पैन में मैं तेल गरम करने रखूंगी। इसमें थोड़ा सा तेल लेंगे। मुझे 2 से 3 स्पून तक तेल लिया है मैंने। इसमें चाहे तो आप लोग गार्लिक को दरदरा कूट कर डाल सकते हैं। मैं इसमें कुछ नहीं डाला। अब तेल गरम हो रहा है। तेल में जीरा और राई डालूंगी। मैं ऑलरेडी उसमें हींग डाली हूँ, अब इसमें हींग नहीं डालूंगी। इसीलिए आप लोग चाहे तो लहसुन का दरदरा कूट कर डाल सकते हो और भी स्वादिष्ट बनेगा। इसे आप लोग फ्रिज में रखोगे तो 10 से 15 दिन तक रहेगा। अभी मैं उस तेल को ठंडा कर लिया है। इसे थोड़ा ठंडा करके ही डालना चाहिए, गरम गरम नहीं डालना चाहिए। अभी मैं इसमें तेल डाल के अच्छे से मिला रही हूँ। इसमें मैं तेल को डाल के अच्छे से मिला लिए हूँ। अभी थोड़ा और थोड़ा तेल बचा है, उसमें भी डालूँगी सांभर कुकुम्बर में भी, क्योंकि थोड़ा स्वाद और बढ़ेगा। थोड़ा सा जीरा राई और थोड़ा ऑयल। अभी मैं इसमें तेल मिला ली हूँ। ये दोनों अचार बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं। आप इसे फ्रिज में 10 से 15 दिन तक रख सकते हो। आप लोग इसे टिफ़िन के साथ, चावल के साथ, किसी के साथ भी खा सकते हो। बहुत स्वादिष्ट बनता है। आप लोग भी ट्राई करिए और मुझे बताना मत भूलिएगा कि कैसा बना है। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्राइब के बाद जो बेल बटन होता है उसे प्रेस करना मत भूलिएगा। अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को शेयर करना मत भूलिए। चलिए मिलते हैं फिर।